जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 पैरा एसएफ के एक ऐसे कमांडो की वीरता भरी सच्ची कहानी सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि 9 पैरा एसएफ क्या होता है। उस स्पेशल फोर्स कमांडो का नाम है पैराट्रूपर संजोग छत्री साहब। समय है 26 जून 1982। बुमटार सिक्किम में एक हिंदू छत्री फैमिली में इनका जन्म होता है। संजोग साहब बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो देते हैं। संजोग साहब और उनकी बहन संगीता छत्री देवी जी अपने अंकल के पास पले बड़े। बचपन से ही इंडियन मिलिट्री ज्वाइन करने की अदम्य इच्छा को लेकर संजोग साहब इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करते ही उन्होंने 31 मार्च 2001 9 पैरा एसएफ ज्वाइन करते हैं। 9 पैरा एसएफ जानी ही जाती है काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, माउंटेन वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर के लिए। इस तरह से वो एक आम इंसान से बनते हैं एक पैरा ट्रूपर कमांडो। अपने सर्विस के मात्र 2 साल के बाद 22 अप्रैल सन 2002 को जम्मू एंड कश्मीर के मिलिट्री कैंप में एक खबर आता है। खबर ये था कि हिली काका के पास एक बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप हैवी एम्यूनेशन के साथ में बहुत बड़ा अटैक का प्लान कर रहा है और वहीं पर छुपा हुआ है। और जब भी इस तरह के खबर आते हैं तो स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जाता है और इस बार 9 पैरा एसएफ को बुलाया गया। खबर पाते ही पैरा ट्रूपर संजोग छत्री साहब अपने 20 कमांडोज की एक टीम को लीड करते हुए हिली काका की ओर निकल पड़े। हिली काका के पास पहुंचते ही कमांडोज आतंकवादी को स्पॉट करते हैं। उनके पास भारी तादाद में ऑटोमेटिक राइफल और ग्रेनेड जैसे भयानक हथियार था। उस वक्त उत्कृष्ट युद्ध कौशल और अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए संजोग छत्री साहब 100 गज तक रेंगते हुए आतंकवादी के पास पहुंचते हैं और पहली गोली एक आतंकवादी के सर में मार के उसका शिकार करते हैं। गोली चलते ही उधर से भारी तादाद में फायरिंग शुरू हो जाती है। कमांडोज और आतंकवादी के बीच में भारी तादाद में फायरिंग शुरू हो जाता है। इस फायरिंग में संजोग साहब को गोली लग जाती है। जरा सोचिएगा, मात्र 20 साल का वो लड़का जिसका दाढ़ी भी अभी ठीक से नहीं आया है, वो गोली लगने के बावजूद आगे बढ़ते हुए एक और आतंकवादी के सिर में गोली मारते हैं और दूसरे आतंकवादी का शिकार करते हैं। यह ऑपरेशन चल रहा था हिल काका के आसपास में। लोकल लोग इसे हिली काका के नाम से भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उस इलाके में ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम रहता है। उस वक्त भी 20 साल का एक बच्चा गोली से घायल होने के बाद भी इस देश के लिए लड़ता रहा, हमारे लिए लड़ता रहा। अपने शरीर से जान निकलने से पहले तक, अपने शरीर से आखिरी बूंद खून निकलने से पहले तक संजोग सर ने अपनी टीम को लीड किया और उनके टीम पूरे आतंकवादी के ग्रुप को खत्म कर दिया। लेकिन कई गोली लगने की वजह से और भारी मात्रा में खून बहने की वजह से हम संजोग साहब को खो देते हैं। जरा सोचिएगा, 20 साल का वो लड़का जिस उम्र में आजकल के बच्चे प्यार पार्टी एडुकेशन फील्ड में रहते हैं, उस उम्र में वो 20 साल का बच्चा इस भारत माँ के लिए अपनी जान तक दे दी। क्या साहस, क्या जज्बा होगा साहब के दिल में। उनकी इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 20 साल की उम्र में अशोक चक्र जीतने वाले वो पहले इंसान बने। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी इस वीरता को बयां करने की और मेरा ये विश्वास है कि इस दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी वीडियो, फिल्म, बुक्स उनकी इस वीरता को दर्शा नहीं सकता। आज इस चैनल का होस्ट मैं अभिजीत पैरा ट्रूपर संजोग छत्री साहब को सतकोड़े नमन के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।